जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप लोगों के अचीवमेंट्स होंगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यू हैव टू विजुलाइज। आपको क्या करना है, उसको विजुलाइज करना है। जितनी ग्रेट पर्सनालिटीज होती है ना, वो सारी इस टेक्निक का यूज़ करती है। विजुलाइज मतलब देखो, आप लोगों को मालूम है जब कोई एथलीट प्रैक्टिस करता है ना, तो वो ये इमेजिन करते हुए प्रैक्टिस करता है 12-12, 15-15 घंटे की, कि मुझे वर्ल्ड कप मिल रहा है, मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। उसके माइंड में सिर्फ यही बात बार बार विजुलाइज होती है। वो अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट देख रहा होता है हर दिन हर मोमेंट पर, और उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। वो उसको विजुलाइज करता है। तो जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ है ना, एक्टर है, एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियन है, जो भी बने हैं कुछ, उन्होंने पहले ही, उनके जब इंटरव्यूज लिए गए तो उन्होंने पहले बोल दिया कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। विराट कोहली बोलते हैं, अगर मैं क्रिकेटर बना होता मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये मैं पहले ही सालों पहले विजुलाइज कर चुका था, मुझे मालूम था मुझे इंडिया के लिए खेलना है और मैं एक दिन खेलूंगा। तो ये तो मैंने 15 साल पहले ही सोच लिया था, विजुलाइज कर लिया था लोगों के सामने, भले अब मैं खेल रहा हूँ तो मेरे लिए तो दूसरी बार है। आप यहाँ बैठे हो, मैंने पहले ही विजुलाइज कर लिया था। क्या मैं जब भी कोई सेमिनार होता है, कोई स्पेशल लेक्चर होता है, तो उसके एक दिन पहले रात को बैठकर ये विजुलाइज करता हूँ कि लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सी लाइन होगी, क्या मुझे बताना है बच्चों को, क्या सिखाना है, बच्चे किस तरह से बैठेंगे, किस पर रिएक्ट करेंगे, किस पर खुश होंगे। हर एक छोटी सी और छोटी बात, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात डिज़ाइंड होती है, पहले से ही विजुलाइज्ड होती है। तो आपको भी अगर लाइफ में कुछ बड़ा अगर अचीव करना है, पर विजुलाइजेशन में 3 से 4 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या? सबसे पहले क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या होती है? देखो, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उसकी एक क्लियर इमेज होना चाहिए। वो इसलिए, देखो ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, पता नहीं कितने साइंटिस्ट बता चुके हैं कि हमारा जो माइंड है वो नंबर्स में नहीं सोच सकता है, वो सोचता है इमेजेस में। इमेजेस में मतलब देखो, जब भी आप लोगों को कुछ भी बोला जाता है तो उसकी आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती जाती है ना। जैसे मैं जो बोलूँगा, देखना आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इमेज क्रिएट होगी। अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं आप लोगों को? Yes, मम्मी, अपनी अपनी मम्मियाँ दिख रही है। एप्पल का आईफोन दिख रहा है? वाइट कलर की BMW कार दिख रही है? अच्छा, मैं अगर ऐसा कोई वर्ड बोलूँ जो आप लोगों को पता ही नहीं हो, है ना, तो उसकी इमेज बनेगी ही नहीं बनेगी ना। कोई अगर मैं बोलूँ एक्सटेम्पोर, क्या होता है इसे? कुछ इमेज ही नहीं आई माइंड में, नहीं आई ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो देखो, कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों का जो माइंड है, जिस तरह की लैंग्वेज वो समझता है, उस तरह की लैंग्वेज में आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, व्हाट यू वांट टू बिकम, यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव एंड क्लियर इमेज इन योर माइंड। जैसे सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप खुद का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये क्लियर इमेज बनाओ कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, क्या होगा उसमें, कितने लोग मेरे लिए काम करेंगे, क्या मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट लोगों को कैसे पसंद आएंगे, मेरा ऑफिस कैसा होगा, फैक्ट्री कैसी होगी। मतलब हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जैसे आप चाहते हो यू वांट टू बाय अ न्यू कार, एक कार खरीदना चाहते हो, तो यू मत सोचो मुझे एक कार खरीदनी है, हाँ मुझे कौन सी कंपनी की है ना, प्लस कौन सा मॉडल, उसका इंजन कितने CC का है, प्लस उसका कौन सा कलर। हर एक छोटी से छोटी बात की आपको इमेज बनानी पड़ेगी। आप घर बनाना चाहते हो, यू वांट टू बिल्ड योर ओन हाउस, तो आप लोगों को आंखें बंद करके इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा घर क्या। आप बोल रहे हो आई वांट टू बाय अ न्यू होम या आई वांट टू बिल्ड माय ओन होम, तो जो घर खरीदना चाहते हो कितना बड़ा होना चाहिए, प्लस उसमें कितने रूम्स होने चाहिए, हॉल कितना बड़ा होना चाहिए, प्लस उसमें किचन कैसा होना चाहिए, उसका कलर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, पार्किंग एरिया कैसा होना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी बड़ी चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। जितनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है, जितने एथलीट्स होते हैं, वो सब इस बात को फॉलो करते हैं, इसलिए वो वहाँ है और हम यहाँ हैं। दूसरा, मेक इट रियल। जितना अगर आप उसमें अपनी फीलिंग्स और इमोशन ऐड करोगे, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएगी उस चीज़ को लाइफ में ज़्यादा अचीव करने के, जल्दी अचीव करने के। जैसे अगर आप यू वांट टू बाय अ न्यू कार, तो आप लोगों को कौन सी कार चाहिए, कैसी कार चाहिए, उसमें जितनी आप सेंसेस यूज़ करोगे उसको, अगर आपको कोई कार मिली, आपने टच किया, उसको देखा, उसको फील करा, आपके किसी फ्रेंड के पास से चलाया, तो आपको वो रियल इमेज बनने लगेगी आपके माइंड में कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो आपको यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव एंड रियल इमेज इन योर माइंड। ऐसे नहीं कि नहीं, बहुत सी बार हम जब सोचते हैं ना
तो सोचते टाइम भी अपने आप को गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाय अ होंडा सिटी कार, होंडा सिटी कैसे खरीदूंगा, 15 लाख की आती है, मेरी सैलरी तो 50,000 है, बचतें तो कुछ है नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो पता है, आपके माइंड में जब इमेज क्रिएट कर रहे हो तो वो रियलिटी नहीं है, वो फेक है। आपका माइंड समझ रहा है ये फेक रियल फेक है कि रियल है, तो वो क्या कर रहा है आपके माइंड को, वैसे इंस्ट्रक्शन। अब आप जब कार के लिए कुछ कोशिश करोगे तो आपने इमेज में क्या देखा, आपने इमेज में देखा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है, और आपका माइंड क्या करेगा, बताया था ना आप लोगों को, बस। और देखना यही होगा आपके माइंड में जो चल रहा है ना कि मेरे को दिक्कतें आएगी, पैसा नहीं बच पाएगा, वही सारी समस्या आपको रियल लाइफ में भी दिखेगी, और आप बोलोगे मेरे को तो पहले ही पता था ऐसे ही होने वाला है, तुमने बोल जरूर दिया। ऐसे ही होता है, जैसी जो चीज़ आप देखते हो ना वही चीज़ आपको दिखती है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे अपने इस हॉल में मरून कलर कितनी जगह है देख के बताओ, मरून कलर दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा मरून कलर छोड़ो, येलो कलर देखो कितनी जगह दिख रहा है आपको, येलो कलर टाइप का जो कलर है, भले थोड़ा डार्क हो भले थोड़ा सा लाइट हो, देख लिया आपने कहाँ कहाँ है? तो आपने बताया सर बुक्स पे है, वो विंड चैम पे है, सर ये सेल पे है, सर ये आपने जो लिखा है इस पे है, सर इस पे है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप येलो कलर देख रहे थे और ढूंढ रहे थे, क्या आपको ग्रीन कलर दिखा, रेड कलर दिखा, ब्लू कलर दिखा, ब्लैक कलर दिखा? जो आप जिंदगी में देखते हो ना वही आपको दिखता है, जो चीज़ आपको चाहिए वही मिलती है, जो आपको जिंदगी में चीज़ चाहिए वही चीज़ आपको मिलती है, दैट्स इट। आपने ढूंढा मुझे येलो कलर चाहिए तो येलो कलर आपको मिलता गया, आपको ग्रीन कलर चाहिए ही नहीं था तो मिला ही नहीं, ब्लू कलर चाहिए ही नहीं था, रेड कलर चाहिए ही नहीं था तो मिला ही नहीं। तो डेफिनेटली अगर जो चीज़ आप ढूंढोगे, जो चीज़ देखोगे वही चीज़ आपको दिखेगी जिंदगी में। तो अगर आप अपने एम को देखोगे कि ये कार चाहिए तो वो दिखेगा। अब अगर आपको ये दिखेगा कि बहुत सारी कठिनाई है, प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो वो चीज़ मिलेगी आपको, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिलेगी डेफिनेटली आपको। देखो जितने भी बड़े एथलीट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, विजुअल एड्स, मतलब कि ये विजुअलाइजेशन करते हैं, प्लस इसको दिन में 3 बार रिपीट करते हैं। 3 बार रिपीट करते हैं मतलब, देखो जितने भी बड़े एथलीट्स होते हैं ना वो पता है क्या करते हैं, जैसे उनको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर की रेस का 8.3 सेकंड है, तो वो क्या करते हैं मालूम है, वो जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड 8.3 ब्रेक, वो अपने रूम में, अलमारी में, वॉल्स पे और गाड़ी में, बाथरूम पर, शीशे पे, सब दूर लगा देते हैं। तो अगर आप चाहो, और चाहो नहीं, अगर आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है ताकि आप बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो विजुअल एड्स मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग, अच्छा मैंने इंग्लिश पता है कैसे सीखी, एक पैटर्न मैंने फॉर्मूला अपनाया, और मुझे मालूम तो अब पड़ा जब मैंने आप लोगों के लिए कुछ महीनों सालों पहले ये लेक्चर बनाया, पर ये टेक्निक मैं 2012 में 11 में ही यूज़ कर चुका था, जाने अनजाने में। मैं जब रूम पे रहता था इंदौर में, तो मैंने क्या करा, मैंने एक फॉर्मूला अपनाया, मैंने कहा यार मैं पूरी एनर्जी एक्साइटमेंट से स्टार्ट करता हूँ महीना, और 15 दिन के बाद में वही टाटा फिश हो जाती है ना, फिर मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, अब नहीं भूलूंगा। मैंने क्या करा, आई हैव टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन दिस फील्ड, आई हैव टू, अच्छा करना है मुझे सब कुछ, तो मैंने क्या करा मालूम है, मैं कलरफुल पेपर्स लाया मार्केट जाकर, जिस दिन मेरी छुट्टी थी, और मैंने उन पेपरों को पूरे उसमें लगा दिया, रूम में लगा दिया, हर जगह लगा दिया, उस पर लिख दिया एट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, गेट अप इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश, है ना, डू वर्क इन इंग्लिश, मतलब सब कुछ मैंने, सब काम के आगे क्या जोड़ दिया मैंने मालूम है, इंग्लिश। अच्छा क्या मतलब ईट इंग्लिश, मतलब खाना इंग्लिश खाओगे सर आप? जब मैं खाना खा रहा हूँगा तब मेरे हाथ में कोई न्यूज़पेपर, कोई वोकैबुलरी की बुक या कुछ भी होना चाहिए। खाना खाते खाते मुझे 20 मिनट 25 मिनट का टाइम लगता है खाना खाने में, तो मैं उस 25 मिनट में वॉकअप भी पढ़ूंगा, भले 4 वॉकअप लर्न करूँगा। मैंने एक पेज लगाया जहाँ पर मेरे मटका था पानी पीने का, तो वहाँ पर मैंने, वहाँ क्या करता मैं हर 2-3 दिन में एक वोकैबुलरीज का पेज लगाता है ना, जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी लिखता, जब मैं पानी पीने जाता तो एक वॉकअप लर्न करता, जब मैं पानी पीने जाता तो एक वॉकअप लर्न करता, जब मैं घर में घुसता तो एक वर्ड सीखता, जब मैं घर से निकलता तो एक वर्ड सीखता, जब मैं सोने जाता तो एक वर्ड सीखता, जब मैं सुबह उठता तो सुबह उठते से मैं कोई एक नया वर्ड सीखता। तो मैंने क्या करा, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, नहीं ये इंग्लिश, नहीं वो इंग्लिश, करते 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 मुझे नहीं पता था। फिर मैंने जब लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी तो मुझे पता चला कि जितने भी एथलीट्स होते हैं या ग्रेट पर्सनालिटीज होती है, उनका जो एम होता है लाइफ का वो भी ऐसे ही करते हैं। तो आपका भी जो एम है लाइफ में वो हर जगह लगा दो। लोग बोलेंगे क्या हो गया, पगला गया क्या? मम्मी बोलेगी करते हैं ऐसा घर वाले,
मेरे फ्रेंड आते थे तो मुझे पागल समझते थे, ये तो पगला गया है, ईट इंग्लिश, इंग्लिश खाएगा आज से। आपको नहीं लगा होगा ईट इंग्लिश मतलब इंग्लिश खाएंगे सर, लेकिन नहीं, पर उसका मतलब तो मुझे पता था ना। अच्छा ये काम कैसे करता है सर, सही में ऐसा होता है? लिटरली इट वर्क्स, कन्फ्यूजन है सर, कन्फ्यूजन है ना, काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा तो ही लाइफ में अप्लाई करें, नहीं तो फालतू क्या इतनी मगजमारी करें। 100% काम करता है, क्यों और कैसे पूछो। देखो हमारे माइंड में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं RAS सिस्टम, RAS सिस्टम। वो क्या होता है सर? देखो RAS का फुल फॉर्म होता है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जो हमारे माइंड में होता है। उसका काम क्या होता है, जब भी आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो एक्टिव हो जाता है और पर्टिकुलर उसी पर फोकस करता है। जैसे देखो आपके कोई फ्रेंड है, आज तक आपने उसके कपड़े नहीं देखे, जूते नहीं देखे, पर जब आपको जूते खरीदने होते हैं ना, तब आपको अच्छा इसने ऐसे जूते पहने व्हाइट कलर के, ये नहीं अच्छे लग रहे, अच्छा इसने अच्छे कलरफुल पहने यार पिंक कलर के, क्यों ये कहाँ से लगी, तो होता है आपका ध्यान हर व्यक्ति के जूतों पर जाने लगता है। पहले आप वो 4 महीने से आ रही है और वही जूते पहन रही है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, पर अब जब आपको खरीदने थे तब आपका ध्यान गया। येलो कलर आज तक आप इतने दिनों गए आ रहे हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कितनी जगह है। जब मैंने आपको बोला येलो कलर कितनी जगह है अपनी क्लास में, तब आपका ध्यान गया कि येलो कलर इतनी इतनी जगह है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या करा, उसको पिंच करा तो एक्टिवेट हो गया, है ना, रेटिकुलर। जो अगर आप बोलोगे क्या कि मुझे एक होंडा सिटी कार खरीदनी है, है ना, अब आपको देखना अजीबोगरीब हादसा दिखेगा आपकी लाइफ में। आप जब नीचे जाओगे ना, होंडा सिटी कार ये जा रही है, होंडा सिटी कार और ये जा रही है, और ये खड़ी होंडा सिटी कार। अच्छा क्यों, यूँ नहीं कि अब आज से नहीं होंडा सिटी कार चलने लग गई बहुत सारी, पहले आपने रेटिकुलर आपका जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट नहीं किया उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और अब एक्टिवेट कर दिया। तो जब उसको एक्टिवेट कर दिया तो वो वही देख रहा है जो उसके लिए, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो आपको कैसा घर बनाना है, देखना जब आपको घर बनाना होगा ना कि मुझे आई वॉन्ट टू बिल्ड माई होम, अब आप कोचिंग से घर, घर से कोचिंग तो 50 बार गए हो, 50 घर आते हैं रास्ते में, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब आज से आपके ऐसा बनाओ, नहीं नहीं ये डिजाइन अच्छा नहीं, कि वैसा बनाओ, कलर कैसा रखूँ, ऐसा कि सो, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब आप जाते टाइम आते टाइम जब सोसाइटी में घूमोगे उस टाइम सब दूर आप ये देखोगे कि कौन सा कलर मैं करवाऊँ। अंडरस्टूड? जैसे कोचिंग को जब रिनोवेट करना था उससे पहले मुझे नहीं पता था कौन सा कलर कराऊँ, अब मैंने कहा रिनोवेट करना है और कलर बिल्कुल चेंज करेंगे इस बार। अब मेरा माइंड जब रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम हो गया तो देखने लगा घरों को, ये कलर कैसा लग रहा घर का, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये लगाऊं कि वो देखा था वो लगाऊं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ऐसे काम करता है। प्लस दूसरी चीज़, तो आज से दो, सबसे पहले जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, है ना, उसको विजुलाइज करो और ये काम करेगा। देखो ब्रह्मांड में बहुत शक्तियाँ होती है, ध्यान रख लेना आप। अंडरस्टूड? ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ होती है कि आप की जितनी विश और डिज़ायर्स हैं, आप इस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हो तो भी बनोगे, बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। पर उसकी मदद की ज़रूरत है, किस तरीके से, तो आप विजुलाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नेचर की तरफ से सपोर्ट आने लगेगा। देखना आप, जैसे अगर आपको घर खरीदना है ना, तो अभी तक आपने नहीं सोचा था, अब आपने सोचा मुझे घर खरीदना है, अब आपको 10 लोग 10 तरीके की बातें करने लगेंगे, घर ऐसा नहीं ऐसे बनाओ, यहाँ नहीं वहाँ बनाओ, यहाँ नहीं यहाँ लो, इतने पैसे सेव करो, इतना का लोन लो, और 10 लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, मैं दिला देता हूँ, वहाँ हमारे पहचान वाले का है, ये बेच रहा है, होगा क्यों, क्योंकि आपने रेटिकुलर सिस्टम एक्टिव कर दिया है। अंडरस्टूड? तो आपको क्या है कि सबसे पहले आप विजुलाइज करो, जो भी आप बनना चाहते हो ना पूरी क्लियर इमेज बनाओ। मैं एक IAS IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कहाँ गए IAS? हाँ मेरे आसपास में बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, दे आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन, वो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। पूरी क्लियर इमेज बना के दिखाओ एक बार आपके माइंड में, जो भी आप बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप इमेजिन करो कि मैं टीचर बन गई हूँ। ये इमेजिनेशन फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में, हमारा माइंड फ्यूचर नहीं समझता है, ध्यान रखना, प्रेजेंट समझता है, पास्ट भी नहीं आता, उसको पता ही नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट में ही काम करता है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट में उसकी कि मैं टीचर बन गई हूँ, अरे 100 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बड़ा सा हॉल है, एक बढ़िया अच्छा सा डिजिटल बोर्ड है, उस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, करो इमेजिन। आप बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो, बिजनेस मैन बनना चाहते हो, तो आप इमेजिन करो कि मेरा खुद का एक बड़ा बिजनेस है ना, इतने लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कुछ ना कुछ बैठे हैं, आँखें बंद करके विजुलाइजेशन किया जाता है। हाँ पुलिस बनना चाहते हो, अपने आप को देखो पुलिस की ड्रेस में,
आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, आप देखो आप बॉर्डर पे बंदूक लेके आर्मी की ड्रेस पहन के खड़े हो। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बनना चाहते हो, देखो आप कोई बढ़िया एक मूवी में काम कर रहे हो। वर्ल्ड टूर जाना चाहते हो, तो आप इमेजिन करो आप एरोप्लेन में बैठे हो और विंडो की सीट है आपकी। चलो ओपन योर आइज। देखा आप लोगों ने? पक्का अच्छे से दिखा आप लोगों को, क्लियर इमेज दिखे? चलो अभी अभी हमने सीखा कि कोई भी दुनिया की जो चीज़ होती है वो दो बार बनती है, पहली किसी के माइंड में और दूसरी रियलिटी में। तो हम पहला स्टेप तो पार कर चुके हैं, हमने उसका ब्लूप्रिंट तो बना लिया है, पहली इमेज तो हमने देख ली है, बना ली है, बस उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना बाकी है और वो भी जल्दी हो जाएगा। तो एक बार सबके लिए तो ताली बजाओ।